हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका लव वर्ल्ड एकेडमी चैनल पर। तो दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था मोशन यानी कि गति। तो गति से संबंधित हम तीन क्लास से पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से वो वीडियो आप देख सकते हैं। पहले आप वो वीडियो देखेंगे तभी आपको आगे क्लासे समझ में आएंगे दोस्तों, ठीक है। तो इससे पहले हम पढ़ चुके थे वेग, चाल, दूरी, विस्थापन के बारे में। तो उसी में एक रह गया था हमारा त्वरण, जो हमने नहीं पढ़ा था। तो आज हम त्वरण के बारे में पढ़ते हैं कि त्वरण क्या होता है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, त्वरण परिभाषा कहती है कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ठीक है। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। अब ऐसे परिभाषा हमारे समझ में आएगी नहीं, तो हम क्या करते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं जिससे कि परिभाषा और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो मान लीजिए दोस्तों, कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो सड़क पर चल रहा है। पहले तो क्या कर रहा है, बिल्कुल धीरे धीरे चल रहा है, ठीक है। उसके कुछ समय बाद वो व्यक्ति का क्या करने लगता है, दौड़ने लगता है, ठीक है। यानी कि पहले तो क्या कर रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, उसके कुछ समय बाद, कुछ टाइम बाद वो दौड़ने लगता है। मतलब पहले उसका वेग कुछ और होता है, अब उसका वेग क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, यानी कि चेंज हो गया। वेग उसका क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। तो इसी परिवर्तन को हम क्या करते हैं, वेग में परिवर्तन को क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं त्वरण कह रहे हैं। यानी कि पहले कुछ और था वेग, अब कुछ और हो गया। मान लो पहले उसका वेग था u, ठीक है, अब क्या हो गया, वेग v हो गया, ठीक है। तो वेग में जो भी परिवर्तन हो रहा है उसी की दर, दर का मतलब यहाँ पे समय से है, ठीक है। तो उसी को हम क्या कह रहे हैं, त्वरण कह रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको ले सकते हैं, माना व्यक्ति का पहला वेग, तो पहला वेग हमने क्या मान लिया कि पहला वेग मान लो क्या है, यू है, ठीक है। फिर व्यक्ति का बाद वाला वेग, उसको हमने क्या कह दिया, मान लो बाद वाला वेग क्या है, V है, ठीक है, ये कह दिया हमने। या सभी कह सकते हैं जो त्वरण है उसको इंग्लिश में एक्सलेट कहते हैं। जैसे मान लो आप अपने दोस्त के साथ बाइक में जा रहे हैं, ठीक है, पहले तो आपका दोस्त बाइक क्या है, बिल्कुल धीरे धीरे चला, फिर आप अपने दोस्त से कह रहे हैं कि थोड़ी तेज चला, एक्सलेट कर, भगा, तो क्या करने लगता है, बाइक का एक्सलेटर तेज करने लगता है। तो बाइक का पहले वेग कुछ और होता है, फिर जैसे वो एक्सलेट करता है बाइक को, बाइक तेज चलने लगती है, तो उसका वेग क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। उसी को हम क्या कह रहे हैं, त्वरण कह रहे हैं, ठीक है। तो त्वरण को हम a से डिफाइन करते हैं, तो a बराबर हम लिख सकते हैं कि वेग में परिवर्तन बटे समय, ठीक है। ये हम लिख सकते हैं कि त्वरण बराबर होता है कि वेग में परिवर्तन बटे समय, यानी कि वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कह रहे हैं, त्वरण कह रहे हैं। या मैं इसको ऐसे भी लिख दूं, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि बाद वाला वेग माइनस पहले वाला वेग बटे समय, ठीक है। अरे, बाद वाले वेग को जब पहले वाले वेग से हम माइनस करेंगे तभी तो हमारे पास त्वरण निकल के आएगा। मान लो सुबह आपकी जेब में 5 रुपए, ठीक है, फिर शाम को जब आप काम वाम करके आते हो आपकी जेब में हो गए 25 रुपए हो गए, ठीक है, 5 पहले थे 20 अब हो गए, तो कितने हो गए, टोटल 25 हो गए। तो कितना चेंज आया, 20 रुपए का चेंज आया, ठीक है। तो 20 रुपए के चेंज, इसके लिए हमने क्या करा, हमने बाद वाले को क्या कर दिया, पहले वाले से घटा दिया, यानी कि माइनस कर दिया, तो हमारे पास आंसर निकल गया है। यहाँ भी ऐसे करेंगे त्वरण में, ठीक है। तो बाद वाले वेग में से पहले वाले को घटा देंगे बटे समय कर देंगे, तो क्या निकल के आ जाएगा, त्वरण निकल के आ जाएगा। या हम इसको ऐसा भी देख सकते हैं, जैसे बाद वाला वेग है आपका क्या है, बाद वाला वेग वी है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे हमने लिख दिया त्वरण ए बराबर बाद वाला वेग, तो बाद वाला वेग हमने क्या माना है, वी, v माइनस पहले वाला वेग u माना है u अपॉन t, समय को बताया आपको t से डिफाइन करते हैं, ये आ जाएगा आपका
त्वरण का फॉर्मूला यानी त्वरण का सूत्र। एक बात और ध्यान रखना है आपको कि इसके ऊपर ऐसा निशान लगेगा, क्यों? क्योंकि जो त्वरण है वो क्या है, एक सदिश राशि है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका त्वरण हो गया। आप थोड़ा इससे एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं इससे संबंधित। उससे पहले आपको थोड़ा सिंबल के बारे में बताना चाहिए। जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया था चाल, वेग, दूरी और विस्थापन के बारे में, ठीक है। चाल, वेग और दूरी के, दूरी और विस्थापन के बारे में इससे पहले पढ़ चुके हैं। तो जो चाल होती है उसको भी हम क्या होता है, उसको v से डिफाइन करते हैं, और जो वेग होता है उसको भी v से डिफाइन करते हैं, लेकिन उसके ऊपर ऐसे सिंबल लगा होता है। क्यों? क्योंकि एक जो वेग है एक सदिश राशि है, वैसे दूरी को s से डिफाइन करते हैं और विस्थापन को भी s से डिफाइन करते हैं। विस्थापन के ऊपर निशान लगता है, क्यों? क्योंकि विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि है, ठीक है। तो आपको इनके सिंबल पता होने चाहिए कि किसको किसको डिफाइन करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन इसके। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटा से घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो हमको त्वरण ज्ञात करना है, ठीक है। सिंपल सा है, त्वरण का फॉर्मूला हमको पता है। तो हमको सबसे पहले क्वेश्चन में देख लेते हैं कि हमको दिया क्या क्या है, ठीक है। कभी भी आप क्वेश्चन करते हैं तो उसमें सबसे पहले ये देख लीजिए कि आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। अगर आपको ये पता चल जाता है कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, तो आप उसको और अच्छे से आसानी से सॉल्यूशन कर सकते हैं उसका, ठीक है। तो उसको सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। तेरा एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर से घटकर 60 किलोमीटर हो जाती है। 80 से घटकर कितनी हो रही है, 60 हो रही है। तो 80 क्या होगा, उसका पहला वेग होगा, पहले तो 80 थी, फिर उसके बाद घटा तो 60 हुआ, तो दूसरा वेग कितना हो जाएगा आपका, 60 किलोमीटर। तो पहला वेग जो है हमको पता है यू होता है, तो कितना हो गया, 80 किलोमीटर पर हावर, ठीक हो गया। उसके बाद दूसरा वेग क्या होगा, हमारे पास 60 किलोमीटर है, दूसरा वेग बन गई वी, वी बराबर क्या हो जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। समय हमको दिया है वहां पे 5 सेकंड, तो समय यहाँ पे लिख देते हैं, टी बराबर कितना दिया है, 5 सेकंड, ठीक है। कुछ नहीं करना, फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, ए बराबर होता है वी माइनस यू अपॉन टी, ये होता है हमारा फॉर्मूला त्वरण का। कुछ नहीं करना है, फॉर्मूले में रख देना है। तो v कितना दिया हुआ आपका, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, माइनस u कितना दिया हुआ है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा बटे t कितना दिया है, 5 सेकंड, ठीक है। आप करते हैं इसका सॉल्यूशन, ये हो जाएगा तुम्हारा 60 से अगर 80 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 20 किलोमीटर प्रति घंटा बटे कितना हो जाएगा, 5 सेकंड। अब इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं हम, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे है किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ पे है सेकंड, तो किलोमीटर प्रति घंटा को अब हमको सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, तभी हमारा आंसर सही आएगा। तो हमको हमने बचपन में छोटी क्लासों में सीखा था कि अगर हम किलोमीटर प्रति घंटा को सेकंड में चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं, 5/18 से उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ भी वैसे ही करेंगे, तो इसको ऐसे लिख दो, ये हो जाएगा 20 × 5/18, तो इंटू, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 1/5 सेकंड, ठीक है। ये भी सॉल्यूशन कर देते हैं, 5 से 5 कट गया आपका, ठीक है। इसको 2 से काट दो, 2 × 1 = 2, ये 10 हो जाएगा, 2 × 18, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 10/9, ठीक है, सेकंड। अब इसको सॉल्यूशन करो तो ये आ जाएगा तुम्हारा, काटेंगे तो 1.11 कुछ ऐसा आएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका क्या, आंसर, ठीक है। ये आएगा आपका किसमें दोस्तों, माइनस में आएगा, क्योंकि ये माइनस में है, तो ये यहाँ पे आएगा आपका माइनस, और ये भी आपका आ जाएगा माइनस, तो -1.11 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। एक बात ये ध्यान रखिएगा, कभी भी ऐसे सवालों में जब माइनस में आए तो समझ लीजिए क्या हो रहा है, हमारी स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। जब माइनस में आंसर है, अगर यहाँ पे स्पीड 80 से बढ़कर 100 होती तो यह माइनस में आंसर नहीं आता, तो ये किस में आता, प्लस में आता,
ठीक है, तो माइनस में जब भी आंसर आएगा तो मान लीजिए क्या हो रहा है, वेग में क्या हो रही है, कमी हो रही है। ठीक है, तो तभी तो कह रहा है कि 80 से घटकर कितना हो गया, 60 हो गया। तो कमी तो हो रही है भाई, पहले 80 था मतलब ज्यादा था, फिर 60 हो गया, तो इसलिए हमारा आंसर क्या आया, माइनस में आया दोस्तों। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि कह रहा है कि विरामावस्था से राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है और 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करता है। वह इस प्रकार से ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में कम होकर 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो दोनों स्थितियों में त्वरण की गणना कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे दो सिचुएशन दे रखी है। ठीक है, तो उसका देखते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये मत देखिए कि क्वेश्चन क्या है, लंबा है, लंबा नहीं है क्वेश्चन, बिल्कुल आराम से हो जाएगा, वह हमको त्वरण का फॉर्मूला पता है, तो पूरा क्वेश्चन सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या हमको दिया हुआ, पहले तो वो लिख लेते हैं। ठीक है, कह रहा है कि विरामावस्था से राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है। विरामावस्था मतलब विरामावस्था वह अवस्था होती है जहां पर कोई व्यक्ति रुका है, मतलब कोई गति नहीं कर रहा, वो रुका हुआ है, तो वो कहलाती है क्या, विरामावस्था। तो रुका हुआ है तो पहला वेग उसका क्या हो जाएगा, जो यू है वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो रुका हुआ है, अरे गति थोड़ी कर रहा है, रुका हुआ है। ठीक हो गया, फिर कह रहा है कि और 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है, यानी कि जो उसका दूसरा वेग है v बराबर वो कितना दिया हुआ है, 6 मीटर प्रति सेकंड, और जो टाइम है वो कितना दिया है, 30 सेकंड, तो t बराबर कितना हो जाएगा आपका, 30 सेकंड। बस त्वरण में हमको तीन चीजें चाहिए होती है, पहला वेग, दूसरा वेग और टाइम, वो हमको मिल गया। ठीक है, हम निकाल लेते हैं त्वरण फॉर्मूला, हमको पता है कि क्या होता है, वी माइनस यू अपॉन टी, ये हमारा फॉर्मूला होता है, बस इसी फॉर्मूले में रख देना। तो वी कितना दिया हुआ है आपका, वी है ये 6 मीटर प्रति सेकेंड बटे माइनस, कर लो पहले माइनस यू कितना दिया, यू दिया हुआ आपका 0 बटे में कितना आ जाएगा, बट टी कितना है, 30 सेकेंड, कुछ ही नहीं करना, हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, तो 0 आएगा, यहाँ से इसको काट दे, छोटे से 30, तो ये आ जाएगा आपका 1.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। पहली सिचुएशन थी ये, ठीक है, पहली सिचुएशन का आंसर आ गया। अब देखते हैं दूसरी सिचुएशन में क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये पहली सिचुएशन थी, अब देखते हैं दूसरी सिचुएशन में क्या कहना है। अब वो कह रहा है कि वह इस प्रकार से ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में कम होकर 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला वेग होगा u बराबर वो कितना होगा आपका, वो होगा 6 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि आप यही तो इसकी गति, जहां से वो कम कर रहा है अपनी स्पीड को, तो पहला वेग क्या हो जाएगा इसका, u बराबर हो जाएगा 6 मीटर प्रति सेकंड, और v क्या हो जाएगा, दूसरा वेग यानी कि वो हो जाएगा आपका ये वाला, ये है आपका 4 मीटर प्रति सेकंड, और टाइम आपको दिया है कितना है, टाइम टाइम दिया आपको 5 सेकंड, तो हमने लिख दिया 5 सेकंड। बस तीनों चीजें मिल गई, आप रख दीजिए फॉर्मूले में, तो फॉर्मूला मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप सीधे फॉर्मूले में रख दे रहा हूँ। ठीक है, फॉर्मूला ये लिखा हुआ मैंने ऊपर, तो फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी, तो v कितना है यहाँ पे दे रखा है 4 मीटर प्रति सेकेंड, माइनस u कितना है ये दे रखा है 6 मीटर प्रति सेकेंड, बटे जो t है वो कितना दे रखा है आपका 5 सेकेंड। तो सॉल्यूशन कर दीजिए, 4 सेकेंड आया हमने, तो ये हमारा आ गया माइनस का 2 मीटर प्रति सेकेंड बटे ये कितना आएगा 5 सेकेंड, सॉल्यूशन कर दीजिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, तो अगर हम इसको काटेंगे ये आ जाएगा आपका 0. माइनस का आएगा, ठीक है, माइनस का 0.4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो ये आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखने वाली बात ये है कि पहले हमारा प्लस में आया था, प्लस में क्यों आया था, क्योंकि क्या हो रहा था, 0 से शुरू कर रहा था, मतलब कम से वो बढ़ रहा था, तो मैंने इससे पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था कि क्या होगा, गति बढ़ेगी तो आंसर कैसा आएगा, प्लस में आएगा। अब दूसरे सिचुएशन में क्या हो रहा था, 6 से घट के कितना हो रहा था, 4 हो रहा था, कम हो रहा था, स्पीड कम हो रही थी, तो किस में आ गया आंसर, माइनस में आ गया। ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चन अगर पूछे जाए तो आप कर लेंगे आसानी से।